प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अब सतर्क हो चुका है, जिसको लेकर तामिया में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई। शहर में कोरोना नियमों के पालन कराने को लेकर बैठक में रणनीति भी बनती हुई दिखाई दी। कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कोविड नियमों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर तामिया में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शहर में कोरोना नियमों के पालन कराने को लेकर बैठक में रणनीति बनी। अधिकारियों ने रात्रिकालीन कर्फ्यू, बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई को लेकर शांति समिति को अवगत भी करवाया। बैठक में तामिया तहसीलदार संजय बारेया, नायब तहसीलदार शशांक मेश्राम, थाना प्रभारी प्रीतम सिंह, तामिया व्यापारी मंडल के अध्यक्ष कमलेश साहू एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जो संभावित कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बैठक की गई है, हमारे बीच में प्रतिनिधिगण और व्यापारीगण मौजूद है और माननीय जनमानस पे मौजूद है। इनसे यह चर्चा की गई थी कि जो कोरोना की तीसरी लहर जो संभावित है, उसको रोकने के लिए हम अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करेंगे और हम समझाइश भी दे रहे हैं कि इनके यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं, उनको अगर वो मास्क लगा के नहीं आते हैं तो उनको मना करें कि उनको पहले मास्क लगा के उसके बाद ही वितरित किया जाएगा। और ये भी हिदायत दी गई है कि अगर बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी जुर्माना होगा उसको अध्यारोपित किया। गौरतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों ने बैठक के माध्यम से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर रणनीति बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, तामिया।